हेलो। हेलो, बोलो। आपकी बार पहचान लिया कि नहीं? चलो, हाँ बाबा, नंबर सेफ है। बोला तो क्या? थैंक गॉड, एक अच्छी बात हुई आज कि आपने मेरा नंबर देके कॉल रिसीव ना करने की गलती ना करी। ओके ओके। नहीं मैं बैठा ही हुआ था, मैं सोचा चलो उसकी कर ही अच्छा लेता हूँ। अच्छा चल चल ठीक है, बताओ फिर। क्या बताऊँ फिर? भूल भी गया, कल ही तो पूछा था क्या आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। मतलब? आपने कॉल किया ना, हेलो हुई ठीक से ना, पूछा आपने खाना हेलो खा। हुई तो सही, मैंने हेलो बोला और उसके बाद मैंने पहचान का भी बोला, उसके अरे बाद अरे, पूछा मैंने तो। तो इंसान ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट पूछता है। इंसान जो तू मुझे खाना खाया, कैसे हो, कैसा गया, मतलब नहीं पूरा दिन नहीं नहीं ऐसे करके नहीं कि ऐसा डायरेक्ट होता है गर्लफ्रेंड गए। जब किसी बात की एक्साइटमेंट होती है ना पूछने की, हाँ कि हमें ये वाली बात पूछनी है, तो वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। उसके आगे कोई बात ही नहीं दिखती है, उसके आगे सबसे पहले वही बात दिखती है, वही बात जानना अच्छा लगता है। तो पहले आप कम से कम ये तो पूछो कि मतलब कैसा हूं मैं, खाना खाया नहीं खाया, कि सीधा अच्छा गर्लफ्रेंड अच्छा है कि अच्छा नहीं है। ठीक है। हेलो, पूछ ये क्या था आप? रहे हो ना आप? हेलो, हेलो, कैसे हो? खाना अच्छे हैं आप? बताओ। खा लिया? हाँ, खाना खा लिया आपने? मैंने भी खा लिया। क्या कर रहे थे? अच्छा कुछ नहीं, बैठा हुआ था। ठीक है, मैंने पूछ लिया ना, बताओ क्या गर्लफ्रेंड है। तो बट मैंने तो नहीं पूछा ना कि आप क्या कर रहे थे। ये कौन सी बात होती है? तो अभी पूरी बात चलने दो ना, मैंने नहीं पूछा अभी, मेरा पूछना अच्छा रह गया ठीक ना। है पूछो पूछो जल्दी जल्दी। हाँ पूछ रहा हूँ, आराम से पूछूंगा, जल्दबाजी क्या है। नहीं बताना है तो ऐसे बोल दो कि तो जल्दी आराम से पूछ रहा हूँ। पर मैंने ऐसा ऐसा तो कुछ कहा नहीं, पर ऐसा लग ही रहा है मुझे आपकी बातों से। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा आप क्या कर रहे थे, आप बताओ किस मैं कुछ नहीं, वेट कर रही हूँ जल्दी से कि चीज का। अच्छा, आप बताओ क्या आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? तो मतलब कितने पैसों का सवाल है? ये पैसों की काउंटिंग ही नहीं है ये तो। हाँ नहीं तो ऑब्वियसली अगर हम कोई क्वेश्चन का रिप्ले करते हैं तो कुछ मिलता है जी, ना मैं बदले में, इनाम विनाम। तो मैं आपको ये रिप्ले करूँ तो मतलब कितने पैसों का गेम खेलना है, मुझे तो बताओ। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? केबीसी नहीं देखा क्या? अच्छा आप केबीसी की बात कर रहे हो। जब आप स्कूल, एक बात बताऊं, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे तो टीचर आपसे क्वेश्चन करती थी। शाबाशी मिलती थी, नहीं, मैं बता रही हूँ। फिर आप आंसर करते तो क्या टीचर आपको पैसे देती थी? शाबाशी। वो तो मैम ऐसी दे देती है। हाँ तो वो ही चाहिए, वो उस टाइम पैसों के ही बराबर थी, बट आपकी शाबाशी लेकिन मैं क्या करूंगा? पैसे लेके क्या करोगे आप, तो वैसे ही इतने सारे पैसे वाले हो। उससे क्या मतलब है? जो उससे केबीसी ही में तो आते मतलब हैं, जो है, केबीसी में आते हैं वो बिल्कुल पैसे वाले नहीं होते, तो गरीब होते हैं क्या? हो सकता है नहीं, ऐसा नहीं होता आप है। नहीं, तो आपको बता के जाते हैं कि मैं पैसे वाला हूँ या फिर मैं गरीब हूँ। हाँ दिखाते हैं ना, जब उनका वो दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं उनके पास घर है, ओ और लेकिन उसमें ये सारी चीज ऐड करते हैं। घर है पर छोटा सा, एक नहीं, कार छोटा है सा पर ना छोटी सी, ऐसे नहीं, करके। हाँ एक्चुअली क्या है ना, उनके पास सब कुछ होता है पर वो छोटा छोटा सा होता है। वो छोटा और छोटा सा आपको एक बात और पता नहीं होगी शायद, मैं बता क्या? दूं आपको कि टीवी में आधे से ज्यादा झूठ बोला जाता है। अरे अरे ऐसा मत बोले यार, किसी की नहीं लाइन में नहीं नहीं जैसे चलो हमारे यहाँ जैसे बात शादियां हमारी हो होती रही हैं, थी यहाँ पे शायद। नहीं, एक सेकंड, हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो हमारे यहाँ गार्डन में शादी करते हैं, हाँ ठीक है। और टीवी में देखो, सीरियल्स में देखो, वो घर में शादी कर लेते हैं। नो वे कि आप सीरियल की बात करो, वहां पे तो समझ में नहीं आता कि शादी कौन सी है, ना लोग आते हैं ना कुछ आते हैं। एक पंडित आता है, वो भी पंडित पता ही नहीं चलता कैसा पंडित है, कभी बैठे हाँ आएगा चुपचाप और कभी मुहूर्त निकल जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी तो इस बात पांच को आप मिनट के सोचो अंदर ना। कभी 5 मिनट के अंदर मंत्र पढ़ के फिर वो पहुंच जाएगा, मतलब रियल में 5 मिनट के अंदर। तो इस बात को आपको सोचना है ना कि उनका घर में मंडप हो जाता है। मुझे तो लगता है कि घर में ही उनका सब कुछ हो जाता होगा। क्या सब कुछ हो जाता होगा? कुछ नहीं, चलो छोड़ो इस बात को, आप जल्दी से बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। बट आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी गर्लफ्रेंड में? बिकॉज मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तो और भी चीजें जानने को है कि तो जैसे मैंने आपका मैंने जाना ना, देखो इतनी सारी चीजें जानी, मैंने आपका फेवरेट फूड जाना, फेवरेट कलर जाना, फेवरेट सिटी भी जान मेरे ली। घर में कितने मेंबर हैं आपने ये नहीं जाना, तो सबसे बड़ी चीज तो रह गई ना। तो मुझे आपके फैमिली मेंबर से क्या, मुझे तो आपसे मतलब है एक ना मिनट यार। एक मिनट एक मिनट, वो फैमिली मेंबर से मतलब नहीं है बट मेरी गर्लफ्रेंड से मतलब है। लॉजिक कुछ फिट नहीं हुआ ना? ठीक है, आपके नहीं नहीं फैमिली से लॉजिक फैमिली कुछ में फिट हुआ नहीं। फैमिली से तो मतलब मतलब नहीं है मुझे आपकी फैमिली मेंबर से मतलब, पर मुझे आपकी गर्लफ्रेंड से मतलब है। पुट यू मीन, कुछ लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है कहीं से भी। हाँ, इस बात को छोड़ो, छोड़ते हैं। आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं?
नहीं छोड़ते कैसे हैं, ये अब लॉजिक मैंने तो उठाओ। पूछा ना, अब अच्छा मैंने तो पूछा तो आपको बताना मैं पड़ेगा, बता रहा हूँ ना, तो मेरे बताओ। घर में मेरी एक गंदी सी भाभी है, एक गंदी प्यारा सी सा भाभी है। हाँ एक प्यारा सा बेबी है छोटू सा, बहुत क्यूट सा, और एक सड़ू सा भाई है, ठीक है, अच्छा। और मेरी प्यारी सी मम्मी है, पापा अच्छा, तो गंदी सी भाभी क्यों? पता नहीं। अच्छा सुनो ना, अब तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। मेरे घर में अरे चलो मुझे मेरी, इससे क्या मतलब, तो मुझे तो मतलब है आपकी गर्लफ्रेंड, जल्दी बता दो। अब फैमिली मेंबर बता दिए, जल्दी से बता दो कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। क्या नहीं अभी और भी चीजें रही ना पूछने के लिए। रही, तो एक ही बार में पूरी लिस्ट बताओ ना, तो मैं एक ही बार में पूछू ना, एक एक करके बता रहे हो आप भी। बाबा बताता हूँ, आप ये बताओ। तो पूछना भूलिए कि मेरी हॉबीज क्या है, मुझे क्या पसंद है। आपको ऑब्वियसली एक्टिंग पसंद है, और मुझे आपकी एक ही हॉबी पता है। भी तो है मेरी हॉबीज, क्या है आपकी हॉबीज? तो क्या है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या है मेरी हॉबीज। वो तो आपको बताओगी आपकी हॉबीज है, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा बताओ मेरे पास कौन कौन से एनिमल है। एनिमल घर में तो मूस ही लोग, डॉग या फिर कैटी पालते हैं। तो मेरे पास कोई एनिमल है ही नहीं, आपने स्टूपिड सा क्वेश्चन क्यों किया ये? तो मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ ना, क्योंकि अब मेरी एडिटिंग हो गई मतलब है, प्रोसेसिंग में लगी है, तो मेरे को तो टाइम पास करना है आपसे थोड़ी देर के लिए। नहीं आप मुझसे टाइम पास के लिए बात कर रहे हो, इसलिए आपने मेरा ऐसी कॉल बात इसलिए नहीं है, किया है। देखो ऐसी बात नहीं है, देखो बात भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो रहा है, अब तो मेरा काम हो रहा है। तो मतलब ये कौन सी बात हुई कि मतलब आप मुझसे टाइम पास के लिए बात करते हो? नहीं मतलब बाबा आप मेरी कोई गलत वे वैल्यू में, ही नहीं है, अरे गलत वे मतलब में मेरी कोई जा, वैल्यू ही नहीं है गलत वे में दोनों। ले जा रहे हो, गलत वे तो में ले आपने जा रहे बोला ही गलत वे में। हो। अच्छा बाबा सॉरी, थैंक इट्स ओके, चलो मैंने आपको माफ किया। यू सो मच कि आपने मुझे माफ किया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और बताइए। बताइए, आप बताइए, मैं इतनी देर से क्वेश्चन कर रही हूँ कौन सा एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, मैं सॉरी सुन नहीं पाया था। कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। ओके तो आपको ये जानना है कि मेरी लाइफ में, मतलब मेरी लाइफ में कोई लड़की है कि नहीं, आपकी लाइफ में आपका स्पेशल वन है या नहीं। स्पेशल वन। देखो पहले आप ये डिसाइड कर लो, आपको गर्लफ्रेंड का जानना है कि स्पेशल वन का जानना है। हाँ, तो गर्लफ्रेंड ही स्पेशल वन होती है। क्यों स्पेशल वन, मेरा छोटा वो भी है, क्या बोलते हैं भतीजा। हाँ तो ठीक है, चलो। आपकी लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? सोचना पड़ेगा यार, ये भी कोई सोचने की, नहीं बताना है तो ऐसे बोल दो कि नहीं बताना है। ये भी सोचना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। इंसान को बताना होता तो एक ही बार में बता देता है। अच्छा बाबा गैस करो आप गर्लफ्रेंड आपकी, तो गैस मैं कैसे कर सकती हूँ? नाम किसका था। क्या नाम, कैसा नाम, जब आप किसका नाम? नाम बता रहे थे तो नाम किसका था, गैस कौन कर रहा था। हाँ ठीक है ना, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यानी गैस करो। 50% लगता है कि मुझे होगी, 50% लगता है कि नहीं होगी। तो आपको 50% लगता है बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। वो मुझे नहीं बताना, कंफर्म तो आपको करना है ना। मैंने तो गैस कर दिया कि 50% लगता है या नहीं लगता है। 50% लगता है नहीं लगता। अच्छा चलो दिल थाम लो, थाम लिया मैंने आंखें बंद कर लो। दिल। वो आंखें क्यों बंद करूँ? फोन में थोड़ी अच्छा अच्छा दिखेगा अच्छा आंखें अच्छा बंद। अच्छा नहीं तो ऐसे बोलते हैं ना कुछ, मतलब हाँ, मैं वो टीवी के बड़ा गंदे से डायलॉग है वो। बड़ा सा सरप्राइज खोलने से पहले नहीं, वो सारे गंदे से डायलॉग है वो। सारे डायलॉग बोले जाते हैं, तो इसलिए मेरा भी थोड़ा हो गया था। नहीं, ये बड़ा सरप्राइज नहीं है, छोटा सा ही सरप्राइज है। आप जल्दी से बता दो मुझे। तो मैं आप बता दूं कंफर्म, मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं। वही तो बताना है। अच्छा ये बताना है। अच्छा बाबा बताता हूँ। बड़ा आपको क्यों जानना है, बड़ा आपको क्यों जानना है। ठीक है, मैं फोन ना करूंगा, बता अच्छा दे अच्छा रही हूँ चलो तो। बताते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी क्या, आजकल सबकी गर्लफ्रेंड होती है। सच्ची में अच्छी आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ इसमें क्या है, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, मेरी भी है, ठीक क्या हुआ। अच्छा है, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं कुछ काम फ्री कर लूँ फिर कॉल करती हूँ आपको। नहीं, ओके, बट क्या हुआ, एकदम आवाज लो हो गई आपकी। नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके बाय।